लगे तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंगो का फ्लेवर वो भी मीठा है तो बनाना भी मीठा है, तो इसलिए इतना ज्यादा मीठा मुझे नहीं चाहिए। इसे मैंने 1 टेबल स्पून ही शुगर डाली है और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर पानी मिक्स कर रही हूँ। और अब इन तमाम चीजों को मैं अच्छे से बीट करूंगी। अभी तो मैंने स्पून की मदद से आराम से इनको वैसे मिक्स कर लिया, अब मैं मिक्सर की मदद से इनको अच्छे से बीट करती जाऊंगी। और ये बहुत, क्योंकि व्हिप क्रीम जो है वो बहुत मज़े के फ्लफी सा एक आ जाता है और योगर्ट के साथ उसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का लगता है। तो जी इस तरह मैंने इसको तैयार कर लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और आपने जी 2 से 3 मिनट के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह बीट हो जाएगी और फ्लफी सा बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। और अगर, क्योंकि मैंने सारी जो 1 टेबल स्पून शुगर थी वो सारी नहीं डाली थी, मैंने हाफ डाली थी, और हाफ जब मैं साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी तो तब मैं हाफ डाल दूंगी। इस तरह जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेस्ट कर लिया था और मुझे थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून कम लगा तो हाफ मैंने फिर बाद में डाल लिया था। और ये इसको हम, ये ऑलमोस्ट डन है, इसको मैं फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। और अब मैंने एक और बाउल लिया और उसके अंदर मैं बनाना और मैंगो को अच्छे से मैश करूंगी स्टॉप मिक्सर से। और जैसे आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर आपने कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, ये एक किस्म का ऊपर हम इसको स्प्रेड करेंगे, योगर्ट के ऊपर स्प्रेड करेंगे और साथ साथ ही इसके योगर्ट के साथ खाते इसका मज़ा आएगा। और इसी तरह मैंने मैंगो को भी कर लिया। मैंगो का बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। और इस तरह इसको भी आपने मैश कर लेना है। इसके अंदर पानी शुगर कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं, ये सिंपली ऐसे अच्छा लगेगा। हाँ, और अगर बच्चों को टेस्ट थोड़ा सा आपको करवाना हो तो आप इसमें चॉकलेट के पीस डाल सकते हैं। इस तरह जी ये भी दोनों मिक्स हो चुके हैं और मेरी जो मैंने योगर्ट तैयार किया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डन है। और अब मैं इसको, जो मैंने 2 नॉर्मल ग्लास लिए हैं, मैं सबसे पहले योगर्ट इसके अंदर डालूंगी, ऊपर जो मैंने मैश किया हुआ मैंगो और बनाना का पेस्ट वो मैं डाल दूंगी। और इस तरह ये देखिएगा आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े का था, बहुत मुझे मज़ा आया और डिफरेंट है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। और ऊपर मैंने चॉकलेट के थोड़े से छोटे छोटे पीस डाल दिए हैं। और अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर क्रश भी कर सकते हैं, वो साथ खाते बहुत मज़ा आता है। इसलिए बाहर के खाने से बेहतर है, बाहर का फ्रेश योगर्ट खाने से बेहतर है आप खुद घर में फ्रेश बनाइए, फ्रेश जो सीजनल फ्रूट है के साथ मिक्स एंड मैच कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और सबको मज़ा भी आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।